which these are the compounds which do not lose their properties, which do not lose their properties when hydrolyzed in water. Unlike the double salts, which do not lose their properties when hydrolyzed in water, unlike the double salts ki tarah nahi tootta. It can also be defined in water, beta. It can also be defined as a molecular compound or as a molecular entity, that results from the combination of two or more stable molecular compounds and retains its identity in the solid state as well as lakshya in the solution state. दोनों स्टेट्स के अंदर ये काम करेगा मेरा प्यारा बेटा. अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता डबल सॉल्ट्स की तरह. द प्रॉपर्टीज ऑफ सच कंपाउंड्स are totally different. From its individual constituents. इसका मतलब क्या हुआ हरजोत? इसका मतलब हुआ अगर ए और बी ने कॉम्बिनेशन करके कौन सा रिएक्शन बनाया शुभम? ए बी बनाया. ए और बी ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा बनाया? तो ए बी की प्रॉपर्टी अलग है लक्ष्य और ए बी की प्रॉपर्टी अलग है. ए एंड बी इंडिविजुअली विल हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज व्हेन ए बी विल हैव अ सिंगल प्रॉपर्टी, राइट? तो इनकी सच कंपाउंड्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होगी, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग होगी. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देने के लिए आई हैव अ सॉल्ट कॉल्ड एज पोटेशियम फेरोसाइनाइड, राइट कुमुद? ये हमारे पास सॉल्ट है K4FeCN6. अब क्या होगा लक्ष्य? हमने देखा इसमें ना ही पोटेशियम की प्रॉपर्टीज है, इसमें जैसे ना ही आयरन की प्रॉपर्टीज है, ना ही कार्बन की प्रॉपर्टीज है, ना ही नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज है. बट सारी प्रॉपर्टीज जो अमृतपाल निकलेंगी ना वो किसकी निकलेंगी? पोटेशियम फेरोसाइनाइड की. वो अलग ही प्रॉपर्टीज निकलेंगी जो इसका नाम है. लगा सारी क्लास को समझ? इन कोई भी एलिमेंट जोड़ के या कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स का अलग प्रॉपर्टी है, बट जब वो एज अ होल कंबाइन कर जाता है उसकी अलग प्रॉपर्टी निकलती है. करेक्ट है सारी क्लास? ये हमेशा अपने इससे लिखा भी है कि रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन द सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट. तो सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन स्टेट में भी ये आइडेंटिटी लूज करता है. जबकि डबल सॉल्ट जो है जैसे एप्सम सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट है, ये अपनी जब भी प्रॉपर्टीज होती है हमेशा जब हाइड्रोलाइज कर दो तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है. लगे सारी क्लास को यहां तक समझ?
क्लियर। नेक्स्ट लिखो मेरे प्यारे बच्चों, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम बिल्कुल शुरू से आज प्लस टू स्टार्ट कर रहे हैं, इसका इंटेंशन कि आपके नंबर अच्छे आ जाए, तो मान सकते कोशिश करना है क्लास मिस ना करने के लिए। बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं प्लस टू, कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी 100 ले सकता है। सबसे पहला हमारे पास आएगा कॉम्प्लेक्स साइड और कोऑर्डिनेशन आइड। मैं एग्जांपल्स की मदद से समझाऊंगा। सेकंड हमारे पास जाने आएगा लाइगैंड्स। थर्ड हमारे पास आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले तीन को सीखते हैं। अमृत एक एग्जांपल लेते हैं महक। हमने एग्जांपल लिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। शुभम जब मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा व्हाट विल हैपन? डिसोशिएट। दैट मींस 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 अलग हो जाएगा। नव्या करेक्ट ऐसे होगा। हरजोत प्रणव क्या होगा? ये वाला जो आयन निकला मेरे प्यारे बेटे हर्ष, ये वाला जो आयन है, इस आयन को मैं कहता हूं कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन आयन। राइट मैक? दैट मींस कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन आयन को मैं सिंपल लिख सकता हूं ऑन डिसोसिएशन और हाइड्रोलाइजेशन, कुछ भी आप बोल सकते हो, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। What happens then, Kumud? उस टाइम क्या होगा? A complex ion is formed. Complex ion कौन हो गया? जो external ion है उसको छोड़ के बाकी सारा आपका complex ion। शुभम सेकेंड पॉइंट ligands। ligands कौन है? अब इस complex ion में मेरे पास कौन कौन है वो देखना पड़ेगा। मेरे पास इस कॉम्प्लेक्स आयन में ये है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम। राइट सर? बिल्कुल ठीक है सर। हाउ टू आइडेंटिफाई अक्षय दैट दिस इज सेंट्रल मेटल एटम? विच इज लेस इन नंबर इन देसी लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम। एक मेरे पास एक्स है, एक मेरे पास वाई है। सर आपने तो मेटल बोल दिया, आयरन मेटल आपको पता है, बट अगर मेरे पास एक्स वाई फाइव है, अब मुझे एक्स और वाई कौन है, बट हर्ष जो क्वांटिटी कम होती है वो कौन होता है? सेंट्रल मेटल एटम। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो कौन होता है? तो लाइगैंड हमारा ये बन जाएगा। क्या ये बात लगी समझ? वॉटर प्रणव लाइगैंड्स। लाइगैंड्स आर बेसिकली डोनर एटम्स। दे आर जनरली either the negatively charged or they are having a species having excess of electrons. Species having excess of electrons. They are either the nucleophiles, they can be the nucleophiles also, right? Because जो भी आप बोल रहे हो, ये जो भी definition लिखी है nucleophile की है। Also हर अंश they can be Lewis bases। जो भी आप ऊपर लिख रहे हो सारा लुईस बेसिस का क्वालिटी पॉइंट्स। तो लाइगैंड्स कौन है? डोनर एटम है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, स्पीशीज जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस हो गया। करेक्ट अक्ष? ये सारा कौन आ गया? लाइगैंड। तो CN इसमें लाइगैंड आ गया, जिसको हम साइनाइड बोलते हैं। डोनर होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कभी रिसीव नहीं करते। रिसीवर जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, लुईस एसिड होता है, उसमें 8 से कम होते हैं, इसमें 8 से ज्यादा होते हैं। आठ से ज्यादा हो सकते हैं तो 10 हो सकते हैं। सर PCl5 है, फास्फोरस के 5, क्लोरीन के 10 हो गए, अमोनिया है, एक लोन पेयर आ गया, तो ये सारा बनता है लाइगैंड्स के अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? द नंबर ऑफ लाइगैंड्स इज इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर।
जितने विनम्र लाइगैंड्स होंगे उतने मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। क्या ये बात सारी क्लास को लगती समझ? तो अगर दक्ष सुन देखा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 लगा सारी क्लास पक्का है जी, नोट कीजिए पढ़ा। अगर किसी को प्रॉब्लम आए मुझे बताना है, बोलो बोलो प्रॉब्लम क्लियर। Done everyone? अब अगर हमें लाइगैंड्स को थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं कि तो जाने लाइगैंड्स मेरे पास बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले करण मेरे पास लाइगैंड्स आएंगे सुधांशु, यस देन लाइक कुमुद ने बोला मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लाइगैंड्स। देन द सेकंड शुभम बाइडेंटेट को एक और नाम कहते हैं डाइडेंटेट। Then, ये सब पॉलीडेंटेट के अंदर ही आते हैं, ट्राइडेंटेट आता है, टेट्राडेंटेट आता है, पेंटाडेंटेट आता है, बट इंपॉर्टेंट जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेक्साडेंटेट लाइगैंड। नव्य गिव मी वन एग्जांपल ऑफ मोनोडेंटेट लाइगैंड, एनी एग्जांपल। ओके सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, अमोनिया क्योंकि एक डोनर साइट है, वॉटर सना राइट, ये सारे किसके एग्जाम्पल आगे सी एन नेगेटिव, ये सारे इसके एग्जाम्पल आगे मोनोडेंटेट के। मोनोडेंटेट का मतलब है जानिया दीदी इसके पास वन डोनर साइट है। सर आप दिखा सकते हो इसमें एक डोनर साइट, यस ये इसकी एक डोनर साइट है। दक्ष ये इसकी डोनर साइट है। अनस्टेबल ये इसका लोन पेयर है तो ये इसकी डोनर साइट है। इसका लोन पेयर रहेगा वो उसकी डोनर साइट हो जाएगी। ये नेगेटिव आ गया हर्षित, ये क्या बन गई नंबर इसकी डोनर साइट। जिसके पास एक ऐसा प्लेस है जहां पे वो आगे अटैक कर सके इलेक्ट्रोफाइल, उस रीजन को मैं कहूंगा डोनर साइट। जिसके पास एक डोनर साइट है तो उसको मैं कहूंगा मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लाइगैंड। अब आ गया जी बाइडेंटेट। बाइडेंटेट जानिए वो होता है जिसके पास टू डोनर साइट हो। अब शुभम इसको हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा दो तरह के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट कॉम्पिटिशन के लिए, कॉम्पिटिशन जीतना है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगैंड, और एक लक्ष्य भाई कौन सा होता है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगैंड। लवेश सिमेट्रिकल बाइडेंटेट होता है वो कहता है तेरे लेफ्ट में और राइट में एक जैसी चीजें हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का, आई कैन गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल इथाइलिन डायमाइन, यस कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स CH2NH2 नाउ देयर इज वन डोनर साइट हियर, देयर इज वन डोनर साइट हियर, गेटिंग अक्षय? सो व्हेन देयर आर टू डोनर साइट्स इट इज कॉल्ड एज अ Now, why it is a symmetrical current? Because अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं, हाफ कर दूं, ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा? इसका एक और एग्जाम्पल बन सकता है, यस ऑक्सालेटो आयन, गुड गाइस, विच मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव शुभम, सी डबल बॉन्ड ओ, नाउ अगेन वन डोनर साइड, अगेन वन डोनर साइड, दिस इज अ सिमेट्रिकल बाइंडेड लाइगैंड। बट अमृतपाल व्हाट इज अनसिमेट्रिकल, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल कैन बी ग्लिसिनेटो आयन।
इट इज ग्लिसरीन टू आयन. हेक्साडेंटेड कितनी साइड्स होनी चाहिए? छह डोनर साइड्स. सिक्स डोनर साइड्स. द बेस्ट कैन बी इट इज एटा. व्हाट इज एटा हरजोत? एटा इज एथाइलीन डायअमाइन टेट्रा एसिटेटो आयन. करेक्ट है. इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेटो. इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो भी देख लीजिए. CH2. हाँ जी, कैसे बनेगा? एनीवन हु कैन टेल मी. क्या आप कुछ कह रहे थे? बता दो अभी. हाँ जी, पहले इसका बताते हैं. हाँ जी, एनीवन यस एन ओके. सो आई डी ड्रॉ एन हियर. हाँ जी, यहाँ पे CH2 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 CH
अगेन सी एच टू, अगेन सी एच टू, अगेन सी एच टू. नाउ जिनको नहीं, जो पहली बार मेरे साथ चैप्टर कर रहे हैं हरजोत, वन इज दिस लोन पेयर, वन डोनर साइट, टू डोनर साइट, थ्री डोनर साइट, फोर डोनर साइट, फाइव डोनर साइट, सिक्स डोनर साइट. सो एक्टा हैज सिक्स डोनर साइट्स एंड सिक्स डोनर साइट्स का मतलब हो गया कौन सा लाइक एंड बन गया, बोलो करेक्ट है सारी क्लास, लगा सारी क्लास को समझ. छह डोनर साइट्स आएंगे, नोट कीजिए यहां तक बेटा, कर रहा हूं. हां जी करें एवरीवन. जहां सबसे पहले आप लोगों ने कहा ग्लिसरेटो का स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर देख लीजिए जिनको नहीं पता. एवरीवन इट इज समथिंग लाइक दिस, सी एच टू एन एच टू एवरीवन, देन सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एंड वन. अब देखो कार्बन के बॉन्ड पूरे करनी है, सो वन बॉन्ड इट फॉर्म्स. ये ग्लिसरेटो का स्ट्रक्चर बनता है, राइट हर्ष? तो नाइट्रोजन तीन बॉन्ड पूरे करने हैं, वो तीन बॉन्ड पूरे कर चुका है, करेक्ट. ये ग्लिसरेटो स्ट्रक्चर बनेगा. नेक्स्ट आपने ये आ गया एक्टा का स्ट्रक्चर. अब हमारे पास हमने क्या क्या सीखा, हमारे पास बोरोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है. ये आ गया स्कूल के लिए. अब हमारे आए तीन कॉम्पिटिशन के लिगेंड्स. पहला लिगेंड आता है कॉम्पिटिशन के लिए कुमुद, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड. शुभम, एम्बीडेंटेट लिगेंड. आप सबने हेडिंग डालनी है क्रैश कोर्स. और थर्ड हमारा आता है चिलेटिंग लिगेंड. अक्सर फ्लेक्सीडेंटेट क्यों होते हैं? यस, जिसकी डेंटिसिटी मान लो छह है, बट कभी कभी ऑन द टाइम ऑफ सिचुएशन सर्कमस्टांस वो पांच चार बन जाए, चार या पांच बन जाए, वो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होता है. एग्जाम्पल सल्फेटाइन एसओ माइनस टू फोर. हर्ष कौन सा? एसओ माइनस टू फोर. इसका जो अगर देखो एसओ माइनस टू फोर, अगर हम स्ट्रक्चर बनाइए जरा, लुइस स्ट्रक्चर ये होता प्लस वन में, केमिकल बॉन्डिंग में. कितनी डोनर साइट्स है इसकी महक? एक और दो. ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बट टाइम आने पर मोनोडेंटेट बन जाता है. ऐसे लिगेंड्स जो अपनी डेंटिसिटी चेंज कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ सर्कमस्टांस इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड. और इज एम्बिडेड लिगेंड, फॉर एग्जाम्पल सी ए नेगेटिव, यस दो डोनर साइट, एन सी नेगेटिव, एस सी एन नेगेटिव और एन सी एस नेगेटिव, यस एनओ टू नेगेटिव और ओ एन ओ नेगेटिव. मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको जवाब आते हैं, ये आपके पिछले छह सात आठ महीने पढ़ने की कोशिश के आंसर्स. चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है? करेक्ट, बता दो क्या होता है जिनको नहीं पता. ये लगे सारी क्लास को समझ. हरजोत इसका नाम क्या है? साइनाइड, आइसोसाइनाइड,
कोई बता सकता है? थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रो, ओ नाइट्रेटो। कमेल जिलेटिन लिगेंड, अभी लिखूंगा पहले समझ लीजिए। जिलेटिन लिगेंड क्या होता है? मान ले हरजोत मेरे पास एक लिगेंड है, वो ओपन चेन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, बट करण वही लिगेंड अब मेरा क्लोज चेन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। एक लिगेंड एक्स लिगेंड मेरा क्या बना रहा है? ओपन चेन कॉम्प्लेक्स। और वाई एक्स लिगेंड मेरा क्या बना रहा है? क्लोज चेन कॉम्प्लेक्स। सारा जो क्लोज चेन कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ओपन चेन कॉम्प्लेक्स में। उस एक्स लिगेंड को क्या कहेंगे हम? चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोलेंगे? और उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? करेक्ट है। दोबारा बोलता हूं, एक लिगेंड है जो ओपन चेन कॉम्प्लेक्स बनाता है, वही लिगेंड अगर क्लोज चेन कॉम्प्लेक्स बनाता है उसे क्या कहते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। और कुमुद हमने ये सीखा कि जो फाइव और सिक्स मेंबर्ड रिंग्स होती है कौन सी? वो हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाती है देन एनी अदर मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो तीन बातें सीखी। सबसे पहले फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड। व्हाट इज एक्सीडेंटेड लिगेंड? फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड इज अ लिगेंड व्हिच चेंजेस इट्स डेंसिटी, जो अपनी डेंसिटी चेंज कर लेती है। फॉर एग्जांपल सल्फेट का कितना होना चाहिए? दो, बट कभी कभी क्या बन जाती है? वन। अमृत एम्बिडेंटेड लिगेंड, जो अपने डोनर एटम का पहले सी था अब क्या बन गया? एन बन गया। इसको साइनाइड, इसको आयोसाइनाइड, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रेटो, नाइट्रो, ओ नाइट्रेटो। चिलेटिंग लिगेंड हमेशा क्लोज और कॉम्प्लेक्स बनाती है, मोर स्टेबल होती है। हमेशा भी मान सा इधर फाइव और सिक्स मेंबर रिंग्स आर मोर स्टेबल देन द ओपन चेन और एनी अदर मेंबर रिंग्स। लगा समझ? अब हम लिख लेते हैं इनको। तो फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स क्या लिखेंगे हम इनको? लिगेंड्स व्हिच कैन चेंज, लिगेंड्स व्हिच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी और डोनर साइट भी लिख सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। एज पर द रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल सल्फेटो आयन, ये सल्फेटो है SO माइनस टू फोर। अगर मैं देखूं इसकी डेंटिसिटी, इट इज अ डाइडेंटेट लिगेंड, but at certain times क्या बन जाता है ये? It also becomes monodentate। क्या ये बात सारी क्लास को लगती है समझ? Ambidentate in which either of the atom becomes the donor atom, या तो C बन जाएगा या क्या बन जाएगा? N। और चिलेटिंग लिगेंड ligands forming closed चेन कॉम्प्लेक्सेस। हमेशा याद रखना है स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस हिमांशु क्या होती है? ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मच मोर देन then the open chain complexes। नोट कर लीजिए कागज में। यस, अब इसको तो रिवर्स कर दे, तो यहां से भी कनेक्ट कर सकता है और यहां से भी कनेक्ट कर सकता है। इसको हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। जो फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट किससे भी कनेक्ट कर ले उसको कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे NO2 हमारे या CN है तो C से भी कनेक्ट कर रहा है और N से भी कनेक्ट कर रहा है। NO2 है, N से भी कनेक्ट कर रहा है और O से भी कनेक्ट कर रहा है। इसको हम कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। करेक्ट है सारी क्लास? अब थोड़ा आगे चल रहा हूं जी मैं, स्क्रीन खोल कर। अब चिलेटिंग लिगेंड्स में दो तीन पॉइंट्स आते हैं हर्ष। हर्ष पहला आता है चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस अंश हैविंग 5
फाइव मेंबर्ड रिंग्स, या तो फाइव मेंबर्ड रिंग्स होते हैं या फिर सिक्स मेंबर्ड रिंग्स होती है, राइट right? या तो पांच मेंबर्ड रिंग्स होंगी या फिर सिक्स मेंबर्ड रिंग्स होंगी। अब हमें पता कैसे लगेगा दोनों ही स्टेबल है, या तो वो पांच बनाएंगे छह बनाएंगे, कौन सी कब बनाती है? जब अनसैचुरेटेड ग्रुप लगा हो, दिस इज कंटेनिंग अनसैचुरेटेड ग्रुप्स, डबल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो छह मेंबर रिंग बनाएगा। बट अगर निम्नरत उसके पास सैचुरेटेड है, कौन से ग्रुप बनाएगा, कौन से रिंग बनाएगा? फाइव मेंबर। बात लगा पहले समझ। दूसरा पॉइंट इसका, नव्या मेरे पास मान लीजिए दो लिगैंड्स है, दो कॉम्प्लेक्सेस है, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स पहला है, लक्ष्य हैविंग टू मेंबर्ड रिंग, जैसे इथाइलिन डायमाइन की बन जाएगी, और दक्ष मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स है चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स हैविंग फाइव और सिक्स, कोई भी ले लो, हाँ जी हाँ जी, हैविंग फाइव और सिक्स मेंबर्ड रिंग। अब इन दोनों में से दक्ष कौन ज्यादा स्टेबल है? फाइव और सिक्स। तो हमेशा याद रखना है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती हमेशा। मेरे पास यहां एट आ जाए तब भी फाइव और सिक्स ज्यादा है, तो पांच और छह मेंबर रिंग की मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहती है, चाहे दो हो चाहे चार हो चाहे वो आठ हो चाहे वो दस हो, पांच और छह की ज्यादा होती है। पांच वाला कौन सा होता है? सैचुरेटेड। छह वाला कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड। तब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। दोनों इक्वल है, फाइव है सैचुरेटेड, सिक्स है अनसैचुरेटेड, दोनों इक्वल होगा। क्या ये बात रहती सारी क्लास को समझ? एक बात इसमें और याद रखनी है, मान लीजिए मेरे पास चिलेटिंग लिगैंड है, या कोई भी लिगैंड लगा लो, जरूरी नहीं चिलेटिंग लिगैंड है। कॉम्पिटिशन की बात है, कुमुद ध्यान से देखने सना, लिगैंड में फंक्शनल ग्रुप जो है हर्ष वो ग्रेटर फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, लिगैंड एक्स है, और मेरे पास कुमुद और नव्या लिगैंड आ गया वाई, इसमें स्मॉलर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वैसे ये तो जीओसी बढ़ लेते प्लस वन में, मैं फिर भी कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहा हूं। हरजोत कहता स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? सवाल लगे समझ? इसमें बड़े फंक्शनल ग्रुप्स हैं, मान लीजिए दो एक्टा लग गए, दो हेक्सरेंडेड लग गए, निम्न इसमें एक ग्लिसरिनेट लगा, एक हेक्टा लगा, एक बाइडेंटेड एक हेक्सरेंडेड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 और 2 8, कहता स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। कहता क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जाएगी भाई लोग, बल्कि ग्रुप से, तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन हायर होंगे। लगा सारी क्लास को समझ? ये तीन पॉइंट समझने हैं। जाने पहला पॉइंट क्या किया, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें पांच मेंबर रिंग होगी वो सैचुरेटेड, छह वाला अनसैचुरेटेड। दूसरा हमने क्या सीखा, अगर चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स फाइव और सिक्स है और टू या एट टेन आ जाए तो हमेशा फाइव और सिक्स मोस्ट स्टेबल है। तीसरा पॉइंट क्या सीखा हमने, नंबर अगर ग्रेटर है और स्मॉल फंक्शन ग्रुप है, स्मॉलर की ज्यादा स्टेबिलिटी निकलती है क्योंकि वहां पर रिपल्शन कम होगी, बल्किनेस कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। लगे सारी क्लास? नेक्स्ट लिखो मेरे प्यारे बच्चों जिनका हो जाए, स्मॉलर मीन सी एन है, बड़ा हो गया SCN है, तीन हो गया ना उसमें, तो ये डिपेंड करता है, जिनका हो जाए वो लिखो आगे। नेक्स्ट नॉमनक्लेचर, अगर पीछे छूट जाए तो आगे पकड़ने नहीं है, छोड़ देनी भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए जी मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लिखो नॉमनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस
इथाइलिन ग्लाइकोल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि OH और OH आपस में बॉन्ड नहीं बनाता उसमें. What is ethylene glycol? It is basically ethane 1,2-diol, CH2OH. Now, OH and OH does not form a bond. So, therefore, it is not a chelating ligand. Chelating का example है जब सारे bond बंद हो, बनाते हैं अभी, ठीक है ना? जब जैसे आप जब OH और OH में bond बन जाए, तो फिर वो chelating ligand बनता है, ठीक है? कर दूँ आगे सारी class? चान्या हो गया, सना हो गया, परन्तु कुछ लिखा है? चल आगे जी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. नॉमेनक्लेचर से पहले जैसे हमें दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने पड़ेंगे. हर्ष एक कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. दूसरे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. यस आई विल एक्सप्लेन. जिनको पता बहुत बढ़िया. होमोलेप्टिक इज समथिंग लाइक दिस. जिनको नहीं पता वो देख ले. सुधांशु बट मेरा बेटा दक्ष इसमें विमान से सारे अलग है. इसमें मोर देन वन लिगैंड होना चाहिए. इसमें ऑल लिगैंड शुड बी क्या ये बात लगती है सारी क्लासों में. इसमें सारे सी एन लक्ष्य बट इसमें सीएल भी है, बीआर भी है, ओएच भी है, ऐसे कुछ भी आ सकता है. वो सारे अलग हो जाएंगे. लगे सारी क्लास को समझ क्लियर है. नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं. यहीं से स्टार्ट कर ले. ठीक है. दो तरह कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. एक होता है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, एक होता है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स. ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है. अनायनिक है, नेगेटिव है. कैसे लगा समझ? अगर इसको तोड़ेगा भाई हर्षित तो ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? माइनस. माइनस तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया. अनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम हमेशा सेंट हमेशा मेटल एटम जो बाहर हो उससे स्टार्ट होता है. अगर वो इस साइड होता तो पहले हम राइट तो इसका नाम बन गया लक्ष्य पोटेशियम. पहले जब मैं रिपीट कर रहा हूं अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो करंट कौन सा कॉम्प्लेक्स हो? नेगेटिव मतलब कॉम्प्लेक्स. तब बाहर जो मेटल लगा है उसको पहले लिखना है इरिस्पेक्टिव वो कितनी गिनती में है. टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना, चार है तो नहीं लिखना, अकेला ही लिखना. चाहे एक आया चाहे दस आया कहते मैं बाहुबली हूं, अकेला सौ पे भारी हूं, तो अकेला ही प्रणव आएगा. कौन अकेला आएगा? जो भी मेटल एटम बाहर होगा वो अकेला ही चलेगा. करेक्ट है. तो नाम क्या बन गया? पोटेशियम. उसके बाद लाइगैंड्स आने हैं. कितने हैं? वन को मोनो, टू को डाई बाय, थ्री को ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, छह को हेक्सा, सात को हेप्ट, आठ ऑक्ट, नॉन डेक चलता है. राइट कुमार? तो ये बन गया पोटेशियम हेक्सा. बोल गया था ठीक है. अलेक्सा नहीं बोलना, हेक्सा बोलना. सर अलेक्सा, अलेक्सा आज घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, मिठाई डब्बा लिया ऐसा नहीं. हेक्सा. अब सीएन को साइनाइड नहीं बोलना, साइनो बोलना है. क्या बोलना है? साइनो. क्या बोलना है? साइनो. साइनाइड नहीं, साइनाइड तब बोलते हैं जब वो लास्ट में लग रहा हो, बट जब वो लाइगैंड है बीच में लग रहा है तो साइनो बोलते हैं. ठीक है, खुश बड़ा लक्ष्य आजकल बात चल रही है पूरी.
हेक्सासाइनो ठीक है, पूरी बात चलानी है हेक्सासाइनो। अब निम्रत क्या करेंगे लास्ट में, आयरन है, आयरन का लगाएंगे हम वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर, जब मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या बन गया Fe CN6 माइनस पोटेशियम का फोर उधर, हाँ जी पोटेशियम का फोर उधर, इसका आ गया ना गया X, इसका आ गया माइनस वन चार्ज, तो X प्लस सिक्स इंटू माइनस वन इज माइनस फोर, राइट दक्ष, दक्ष ना लगे रोक ली मुझे भाई, CN का चार्ज कितना है माइनस वन, ये चार था वो माइनस चार हो गया प्लस टू, एक्स आ गया प्लस टू। अब आयरन दो स्टेट्स में ऑक्सीजन स्टेट में, शुभम पहला होता है फेरस Fe प्लस टू, दूसरा होता है फेरिक Fe प्लस थ्री, तो हम प्लस टू में लगाएंगे अच्छा Fe डबल आर हो गया। अब जब अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो सना लास्ट में लगता है एट, जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो लास्ट में क्या लगना है एट, तो लास्ट में लग जाएगा फेरेट और साथ में टू आ जाएगा। अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स लास्ट में क्या लगेगा एट, लगा सारी क्लास को समय दोबारा बताओ, अगर नहीं लगा मैं दोबारा बता सकता हूं। जस्ट टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक प्लैटिनम NH3 होल्ड ट्वाइस ClNO2, बोलो मंजूर है सारी क्लास। नाउ दिस इज नीदर अ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नॉर दिस इज अ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, बिकॉज अगर ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता तो इसके बाहर मेटल एटम होता, पॉजिटिव हम बात कर लेंगे नेगेटिव तो नहीं है, इसलिए दक्ष लास्ट में एट तो नहीं आना, इससे पहले है ना लास्ट में एट तो नहीं आना, इससे पहले पोटेशियम तो नहीं आना, पहले प्लैटिनम तो नहीं आना, तो फिर क्या आना वो देखना पड़ेगा। अच्छा अब लाइगेंड्स के नाम पढ़ते हैं, जिसको नहीं पता मैं नाम से कहता हूं, अमीनो क्लोरीडो, मैं टेबल भी बनवाऊंगा अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, क्लोरीडो नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रीटो नाइट्रीटो एन लिखना, राइट नव्या हमने अल्फाबेटिकली लिखना है, अमीनो पहले आएगा दो है तो नमिता निम्रत डायमीनो राइट, एक क्लोरीडो निम्रत क्लोरीडो महक एक नाइट्रीटो एंड नाइट्रीटो 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 एन, कुछ भी लिख लो हर्ष बात एक ही आएगी, ओ नाइट्रीटो अगर ONO है, N नाइट्रेटो में N नाइट्रेटो या नाइट्रेटो N एक ही बात है राइट। अब आ गया प्लैटिनम, अंश ये X हो गया ऑक्सीजन स्टेट, इसकी जीरो होती चार्ज माइनस वन और इसका भी माइनस वन, तो चार्ज निकाल लो X प्लस टू इंटू जीरो प्लस माइनस वन इज जीरो, तो X कितना आ गया भाई लोग लगा सारी क्लास को समझ, पॉजिटिव आयन नहीं लिखना, आयन क्यों लिखना बाहर चार्ज नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बोलू पॉजिटिव वाली हाँ करवाता हूँ, लगा सारी क्लास को समझ, एक और नाम करते हैं एग्जांपल के तौर पे, हाँ जी दोबारा बोलो, अमीनो होता है इस तरह क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, आओ जी एक और आओ जी आओ बस बात, अब इसका अगर मैं देखूं करण भाई ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, क्यों नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है बाहर आ रहा है पोटेशियम, तो यहां लिखते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स, अब जान जान निकालो इसी कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा स्टेप इस कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लीजिए, अच्छा दो तीन और एक चार कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी निकाल लीजिए, कितने लाइगेंड्स हैं
अब इसको ये वाला जो लिगैंड है ना, ये वाला है ना, ये देखो दिखाता हूं आपको, ये लिगैंड C2O4 कौन सा आयन है, ऑक्सालेटो, सारे बोलो मेरे साथ ऑक्सालेटो, पोटेशियम पहले आ जाएगा। अच्छा ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट एक है तो उसके कितने पोजीशन हुई, दो, तो तीन हो गए, ये टोटल कितने हो गए। अच्छा कमिंग बैक पोटेशियम, अब दक्ष ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना, पोटेशियम आ गया तीन है। अब जब भी बाइडेंटेट लगता है तो ट्राई नहीं लगता, दो हो क्या लगता है सर, बिस, दो हो तो क्या लगता है बिस, थ्री हो ट्रिस, दो हो बिस, थ्री हो ट्रिस, तो ट्रिस लगेगा, ट्राई लगता जब बाइडेंटेट हो तो ट्रिस, बिस, दो होंगे तो बिस, तीन होंगे तो ट्रिस, ऑक्सालेटो बोलो करेक्ट है। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है लास्ट में, ऑक्सीजन स्टेट, यहां माइनस थ्री आ जाएगा, ये एक्स, इसका माइनस टू चार्ज होता है खुद का, तो चार्ज क्या बना थ्री इंटू माइनस टू, लगा सारी क्लास को समझ, इसके बाहर तो आई लगेगा नहीं, लगेगा चार्ज नहीं है बाहर, वो तो हमने लगाया समझने के लिए, बट क्वेश्चन में चार्ज नहीं गिवन, जब क्वेश्चन में चार्ज गिवन होगा तो हम आयन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, लगा नोट कीजिएगा वापस। हाँ जी बोलो बोलो, नाउ दिस इज अ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, दैट मींस दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब सारे पीस ऊपर देखना बोर्ड पे, राइट, कैसे पता लगा ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, सीएल माइनस वन होता है तो हर्षित इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नवेरा का समझ, सीएल माइनस वन, विमान सर प्लस वन हो गया। अब नाम लिख लेते हैं, पहले लाइगैंड्स आएंगे, ये सी से स्टार्ट होता है क्लोरिडो, ये ई से स्टार्ट होता है इथेन वन टू डायमाइड, तो ई पहले आएगा सी पहले आएगा सी, दो है डाइक्लोरिडो, ये बाइडेंटेट लाइगैंड है, मैंने बताया जब भी बाइडेंटेट हो बिस लगाना है, ट्रिस लगाना है, बिस क्योंकि दो है, बिस एथेन वन कॉमा टू, कोबाल्ट, अब कोबाल्ट की ऑक्सीजन शेड भी यूज होगी, हर जो ऑक्सीजन शेड निकाले, ये एक्स, ये बेटे तेरी आ गई माइनस टू, ये आ गया जीरो, तो क्या बना एक्स प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू जीरो इज इक्वल टू दक्ष प्लस वन, क्या बन गया दक्ष, यहां पे एक्स कितना आ गया कोबाल्ट थ्री माइनस वन माइनस टू है क्लोराइड, हाँ जी हाँ जी बोलो, माइनस टू बेटा दो का माइनस टू है, एक का तो माइनस वन ही होगा ना, टू इंटू माइनस वन, कमिंग बैक नेक्स्ट, पांच ये अमाइन है सो पेंटा अमाइन, इसका ए और इसका ए अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं करता पेपर में, पेंटा अमाइन, ये कार्बोनेटो है, कार्बोनेट को आता है अमीनो लिख लो उसको, कोई दिक्कत नहीं। नवी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा सर कार्बोनेटो क्यों, जब भी लाइगैंड होता है लवण्य नव्या तो हमेशा उस लाइगैंड के पीछे आपने ओ लगा देना ई उड़ा के, जैसे ये कार्बोनेट था तो कार्बोनेटो बन गया, सो पेंटामीनो कार्बोनेटो
कोबाल्ट, ऑक्सीजन स्टेट लगा लिए, ये आ गया x, ये कितना आ गया जीरो, ये आ गया माइनस टू, इसकी चार्ज होती माइनस वन, इसके साथ कितना आ गया तो x थ्री हो गया, कोबाल्ट थ्री क्लोराइड नॉट क्लोरिडो, ब्रैकेट के बाद नॉर्मल, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है मरकरी, पहले मरकरी, आइसो थायो आ गया, थायोसाइनेटो कितने हैं चार है, तो टेट्रा भी आएगा साथ में, दोबारा बोलिए थायो क्या होता है, जब एस लग जाए तो थायो लग जाता है, तो आइसो थायो टेट्रा थायोसाइनेटो, कोबाल्ट कोबाल्ट जी शुभम बोलिए, थायोसाइनेटो होता है थायोसाइनेटो कोबाल्ट एट, नाउ दिस हैज अ चार्ज ऑफ प्लस टू मरकरी, यहां कितना आ गया इसका कितना होता है इसका, तो x प्लस फोर इंटू माइनस वन इज माइनस टू, एक्स कितना आ गया कोबाल्ट एट, यहां पे एट क्यों आया, मैंने सिखाया था जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो तो एट आना है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है प्लस टू चार्ज, राइट प्लस टू चार्ज, पानी को एक्वा कहते हैं इसमें और OH को हाइड्रोक्सियो कहते हैं, राइट सारी क्लास हाइड्रोक्सो, तो पेंटा एक्वा, बोलो करेक्ट सारी क्लास पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो, बोलो करेक्ट है क्रोमियम, नवया ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी कीमत x जीरो माइनस वन और प्लस टू कितनी होगी थ्री, क्रोमियम थ्री, अब लविश बाहर दो क्लोराइड हो दस हो एक हो सब जगह क्लोराइड ही लगना है, लगा सारी क्लास को समझ लगा पर दोबारा बताओ, नेक्स्ट पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है ये चार्ज बाहर ही आना है तो क्या बन गया बिस, तो ये क्लोरिडो है क्लोरिडो पहले आएगा बिस इथेन वन कॉमा टू डायमाइन, बोलो करेक्ट है सारी क्लास, अच्छा कमिंग बिस तो ये हो गया ये हो गया, अब ये ओ नाइट्रीटो हर्षी कोबाल्ट, अब हिमांशु ध्यान देती इसका चार्ज आ गया जीरो बाई इसका माइनस वन इसका माइनस वन ये प्लस है तो माइनस टू प्लस वन थ्री हो गया कोबाल्ट थ्री, अब बाहर पॉजिटिव है तो यहां पे आएगा आयन, लगा सारी क्लास को समझ आयन क्यों लगा बाहर पॉजिटिव है इसलिए आयन लग गया, यहां पे आ जाइए इसका चार्ज जीरो इसका माइनस टू इसका प्लस वन क्योंकि इसका माइनस वन है सना जाने क्या बन गया भाई ये एस से ये पेंटामाइन सल्फेटो आगे कोबाल्ट थ्री आएगा बिल्कुल ठीक बोला भाई ने क्लोराइड अगला आ जाइए देख लीजिए तो आयन कैसे आ जाएगा बाहर सीएल है ना अगर बाहर आउटर मोस्ट आयन ना हो जैसे इसमें था और पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज तो आयन है कमिंग बैक ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को इसमें कार्बोनिल कहते हैं तो दैट मीन्स टेट्रा कार्बोनिल गलत टेट्रा कार्बोनिल अच्छा इसका चार्ज जीरो होता है निकल नो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो लगा सारी क्लास को आज हम इतना करेंगे कल हम इसके आगे इसका आइसोमेरिज़म पढ़ेंगे नोट कर लीजिए कॉपी में करते हैं।
पर ये नोट कर ले बच्चों।